केवड़िया कॉलोनी में 42 की राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। मुख्यातिथि हॉकी प्लेयर्स मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र उपस्थित। टूर्नामेंट में सांसद डॉक्टर किरीट सिंह सोलंकी भी खास उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में अलग अलग राज्यों की 22 टीमों ने भाग लिया। माननीय श्री डॉक्टर किरीट सोलंकी जी साहब, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री शाह साबिर अली जी, परम आदरणीय एक्स मिनिस्टर श्री शब शरण जी, जिला प्रमुख श्री पटेल जी साहब, चौहान जी साहब और हमारे देश बनाया गया है ये अपने आप में एक मिसाल है और उसका प्रतिरूप हमारे खेल, सभी खेल जो दोस्ती की, आपसी सौहार्द की, इन सब की हम को जो मैसेज देता है वो खेल भी है। तो आज इन दोनों चीज़ों का मेल इस धरती पर हुआ है, गुजरात की धरती केवड़िया में। मैं टीना किशनदास मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे सम्मान दिया। मैं सभी आप सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों, यह मंच Thank you.
हमारे साथ यहाँ पर गुजरात महिला फुटबॉल एसोसिएशन के महामंत्री भी उपस्थित है, हम उनसे भी इसी टूर्नामेंट को लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे। जी मैडम, आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहते हो, और आप भी एक महिला हो और आप भी महिला एसोसिएशन के महामंत्री हो, तो इसी महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है? यस, मैं एक महिला के साथ में एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ। मैं एथलीट थी और मैंने जब मैं छोटी थी, मैं 8 years की थी, तब से मैं साई पुष्कर में रही हूँ और मेरी ट्रेनिंग उस तरह से हुई। और मैंने बहुत सारा महिलाओं को देखा है कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता था, और मैंने बहुत बारीकियों से देखा था। हम जहाँ भी नेशनल और स्टेट और इंटर जहाँ भी हम खेलने जाते थे, वो लड़कियों को क्या प्रॉब्लम होता था, क्योंकि आज मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के बावजूद वो लड़कियों का दुख मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पे अटकती है, कहाँ प्रॉब्लम उनको होता है। तो मैंने खुद ने सोचा कि इस लड़कियों को, इस वुमेन्स को मेरे को अगर डेवलप करना है, जो मेरा एक्सपीरियंस 30 साल का है, तो मुझे कैसे वर्क करना है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो मैंने इस वजह से मैंने स्टेट सेक्रेटरी, जो मैं वुमेन्स पूरा हैंडल करती हूँ, मैंने आज जो 42 सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप रखा हुआ है, उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं जितना हो सके पूरे इंडिया से, और वो भी जो ट्राइबल एरिया है, रूरल है, वहाँ से मैं गर्ल्स को बुलाऊँ और उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं उनका प्रॉब्लम हल करूँ और उनको एक मोटिवेशन करूँ, क्योंकि एक महिला ही एक महिला का दुख जानती है, उनको एक महिला ही सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली वो आगे जाएगी, मुझे लगता है। और मैं इस वजह से हर जगह से टीम को बुला के वो एकेडमी खोलना चाहती हूँ, ताकि वो महिलाओं को मैं आगे ले जा पाऊँ। और मेरा यही मोटो है कि ये जो लड़कियाँ हैं, आज हमारी लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल में अगर मुझे पहुँचाना है, तो मुझे किस तरह से वर्क करना है। तो मैंने मई में मालागा क्लब से एक टाइप किया था, मालागा क्लब से, जिसमें मेरे यहाँ पे मालागा क्लब का मई में एक इंटरनेशनल कैंप होने वाला था, जो मई में मेरा कोविड की वजह से कैंप नहीं हुआ, जिसमें वहाँ से 5 इंटरनेशनल कोच आने वाले थे, जो मेरी यहाँ की लड़कियाँ को ट्रेनिंग देके वो वहाँ के क्लब में जाके उनको ट्रेनिंग देके वो वहाँ की यूरोप की कंट्री में लीग मैच खेल सकते हैं। पर हमारा ये कोविड की वजह से नहीं हुआ, पर हम ये नेक्स्ट टाइम हमारा मालागा क्लब से इंटरनेशनल हमारा कैंप अहमदाबाद में होने वाला है। और मैं आपको एक अच्छी बात बोलूं कि हमारे जो किरीट भाई सोलंकी है, इसी की वजह से मैं आज जो भी मेरे को हिम्मत आ रही है, जो भी मैं आज वर्क कर रही हूँ, एक किरीट भाई सोलंकी एंड अरुण सर जो मुझे पूरा सपोर्ट, अगर सर अरुण सर हमारे प्रेजिडेंट नहीं होते और किरीट भाई नहीं होते, तो शायद मैं ये इतना डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि इनका पूरा सपोर्ट है मुझे। हाँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इसलिए मुझे मालूम कि इसको मुझे कैसे डेवलप करना है, पर आपको ये भी है कि हमें इसको सपोर्ट करने के लिए हमें सपोर्ट भी चाहिए। सो ये महिलाओं के लिए इतना सपोर्ट करें, इसलिए हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है इंटरनेशनल कैंप एंड इंटरनेशनल जो बार्सिलोना का लीग में, जहाँ से हम वर्ल्ड के बिगेस्ट 30 प्लेयर बुला रहे हैं, जिसको हम अहमदाबाद की धरती में फर्स्ट बार बुला रहे हैं, जहाँ पे रोनालिनो है, मालक रोनालिनो, फिर कैफू, फिर रॉबर्टो, ऐसे बड़े बड़े स्टार प्लेयर को हम बुला रहे हैं, हमारी बात चल रही है। और डेफिनेटली हम लोग अगर बाहर की कंट्रियों को अपने इंडिया में लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे वो प्लेयर उनके साथ खेलेंगे, तो वहाँ पे खेलने से हमारे प्लेयर बहुत कुछ सीखेंगे। मैं सोचती हूँ हमारे प्लेयर को बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि हम लोग बाहर के प्लेयर को इंडिया में बुलाएं और उनके साथ हम प्रैक्टिस करें और उनके साथ हम लोग मैच करें, तभी बच्चों को एक्सपीरियंस आएगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। तो ये थे हमारे गुजरात महिला फुटबॉल एसोसिएशन के महामंत्री और प्रमुख, जिन्होंने आज इंडिया खबर लाइव की टीम से मुलाकात की और अपने विचार प्रस्तुत किए। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। सर, केवड़िया कॉलोनी में जो टूर्नामेंट का कल प्रारंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर किरीट सिंह सोलंकी ने केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय मैदान बनाने की जो बात कही, तो उसकी इसी बात को लेकर आपका क्या कहना? जी, एक बहुत बड़ा उन्होंने इस बात को कल घोषित किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बजाय इसके कि और कुछ व्यापारिक चीज़ें बनाई जाएं, उन्होंने खेलों के मैदान का जिक्र किया। जो जैसा मैंने आपसे कहा था, उनके दिल में खेलों के प्रति बहुत प्यार है और खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ही उन्होंने वो अनाउंसमेंट की यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए, ताकि हमारे देश में गुजरात राज्य के यंग बच्चे खेलों के प्रति आकर्षित हों, और जब यहाँ पर टूर्नामेंट होंगे छोटे छोटे, सारे घर के लोग, सारे यहाँ के नागरिक लोग मैदान में आकर खेलना शुरू करेंगे, और खेलों की वो जो बात
एक होती है कि इस राज से भी तो हमें खिलाड़ी चाहिए, अब तो राज से खिलाड़ी मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं मेरा पूरा इस बात को मैं लेकर आश्वस्त हूँ कि गुजरात राज से हर खेल के अंदर बेइंतहा खिलाड़ी निकलेंगे, बशर्ते ये जो चीज़ें जैसी कही है डॉक्टर किरीट सोलंकी साहब ने कि यहाँ पर स्टेडियम बनाए जाएंगे। और ये घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं है, क्योंकि अब जो काम हो रहा है वो तो जो किया है वो करना है, उसके प्रति हो रहा है। और मैं बिल्कुल से मेरा तो आना सफल हो गया इन बातों को लेकर, इसी चीज़ें मुझे सुनने को और देखने को मिली हैं। और गुजरात के अंदर ये चीज़ें बढ़ेंगी, कोई कमी है नहीं गुजरात में, कमी है तो सिर्फ खिलाड़ी को ऊपर लाने की, तो खिलाड़ी भी ऊपर आएंगे और खेलेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं सबके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र श्री अशोक सर, जिन्होंने आज इंडिया खबर लाइव की टीम से बात की और अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ यहाँ पर गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख अरुण सर साधु सर उपस्थित है, हम उनसे इसी टूर्नामेंट को लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सर, केवड़िया कॉलोनी में आज ये जो राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए, तो इसमें आने वाले समय में महिलाओं के भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है? 42 नेशनल वुमेंस जो फुटबॉल टूर्नामेंट का जो यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और इसका आयोजन गुजरात वुमेंस फुटबॉल एसोसिएशन ने किया है। हमारे गुजरात वुमेंस फुटबॉल एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी श्रीमती टीना कृष्णा दास जी ने इसमें काफ़ी जहमत उठाई है और पूरे राष्ट्र से काफ़ी सारी टीमें यहाँ पर आई है। हमारा ये मोटो रहा है कि गुजरात की जो महिलाएँ हैं वो फुटबॉल के क्षेत्र में विश्व में अपना एक नाम कमाए, क्योंकि हमने देखा है कि जब ओलंपिक होता है या और कोई जन्म होती है तो उसमें गुजरात का जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होना कम होता है। हम ये चाहते हैं कि ये सारी महिलाएँ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल खेले और विश्व में गुजरात का नाम रोशन करें। इन बच्चियों के लिए खासतौर पर हमने गुजरात के साथ साथ हमने ये भी ख्याल रखा है कि पूरे इंडिया से आई ये सभी लड़कियाँ है जो अभी फुटबॉल टूर्नामेंट में खेली रही है, उनमें से हम सिलेक्शन करने वाले हैं और उसमें से करीबन 15 टीम नई बनाएंगे और उनको हम वर्ल्ड की सबसे महंगी और जो वर्ल्ड के सबसे सुपरस्टार जो खिलाड़ी है जैसे कि रोनाल्डो है, मेसी है, ये लोग है, ऐसे बड़े स्टार को हम इंडिया में यहाँ पर लाएंगे। और उनके साथ जिस तरह से आपने देखा होगा आजकल के क्रिकेट में जो IPL खेली जाती है उस तरीके की से मैचें भी उनके साथ खिलवाएँ, क्योंकि तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सालों से पहले क्रिकेट को अगर डेवलपमेंट करने के लिए हम इंग्लैंड के यॉर्कशायर और ये सभी काउंट्री की टीमों में हमारे खिलाड़ी जाते थे और वहाँ से जो यूरोप के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ खेल के वो एक्सपीरियंस लेते थे, आज उसकी वजह से आज हमारे क्रिकेट की टीम की एक बड़ी नामना हुई। तो हम फुटबॉल में भी ये ऐसा एक नयापन लाना चाहते हैं।